क्या हुआ, रुक क्यों गए? कुछ नहीं, वो हमारी गाड़ी के पास बैठकर खाना खा रहे हैं, खाने देते हैं। तो उसे खाने दो ना, उसे हमें क्या लेने देना, चलो। नहीं यार, उसे खाने दो आराम से, 10 मिनट लगेंगे उन्हें खाने में, फिर चल पड़ेंगे। और वैसे भी तुमने एक कहावत सुनी है कि कभी भी किसी को खाते हुए नहीं उठाना चाहिए, कभी परेशान नहीं करना चाहिए ऐसे इंसान को। तुम पागल पागल हो क्या? हम पहले से बहुत लेट हो चुके हैं और ये भिखारी कहीं और भी तो बैठ के खा सकता है ना। जरूरी है हमारी गाड़ी के सामने बैठ के खाए? ये इसलिए बैठा है ना ताकि हमसे पैसे ऐंठ सके। कैसी बात कर रही हो यार तुम, उसे 10 मिनट लगनी है खाना खाने में। 10 मिनट अगर हम लेट हो जाएंगे तो इसमें कुछ नहीं जाएगा हमारा। और वैसे भी तुमने भी तो लेट किया है, तुम भी तो मेकअप करा ली थी, तुमने पूरा 1 घंटा लेट किया हमें। मैंने कुछ बोला नहीं ना, तो अब तुम भी मत बोलो। ठीक है, 10 मिनट लेट क्यों, हम जाते ही नहीं है, जाना जरूरी क्यों है, छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं यहीं पे घर पे। पूजा क्यों गुस्सा कर रही हो यार तुम? तुम उस भिखारी के चक्कर में मुझसे लड़ रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ। लड़ मैं नहीं रहा हूँ पूजा, लड़ तुम रही हो मुझसे। हाँ मैं भूल गई थी ना, हमेशा गलती तो मेरी होती है, इस बार भी मेरी गलती है। ठीक है मैं नहीं बोल रही कुछ, जब जाना ना तब बता देना मुझे। लो चला भी गया वो, चलो अब। कहाँ चलो अब, अब नहीं जाना है, छोड़ो, अब बहुत जल्दी है तुम्हें जाने की। अरे यार तुम्हारी दिक्कत क्या है, पहले रुक नहीं रही थी अब जा नहीं रहे हो। मेरी दिक्कत ना तुम हो जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, समझे तुम? पूजा सोचना पड़ता है, दूसरों के बारे में सोचना पड़ता है हमेशा। ठीक है फिर सोचो बैठ के। अब ऐसे मुंह लटका के जाओगी क्या पार्टी में? जैसा भी ना यही मुंह है, नहीं पसंद है कहीं और देख लो जाके। पूजा क्यों गुस्सा कर रही हो यार इतना? अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज मान जाओ। ठीक है चलो। हेलो हेलो दीपांशु, कहाँ है तू? भाई निकल रहा हूँ बस घर से। तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? वो भाई तेरे घर से निकलते ही जो फ्लाईओवर है ना वो गिर गया है और बहुत से लोगों की मौत भी हो गई है। तू भी वहीं से आता है तो इसलिए तुझसे पूछा। क्या? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं दूसरे रास्ते से आ जाता हूँ। सही रहा भाई जो तू लेट निकला, अगर 5 मिनट पहले निकलता तो कुछ और ही हो जाता। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आजा भाई आराम से आजा, जल्दीबाजी मत करना। हाँ मैं आता हूँ। क्या हुआ? वो जो हमारे सामने वाला फ्लाईओवर है ना वो गिर गया और काफी लोगों की मौत हो गई। पर कब? अभी 5-7 मिनट पहले। हे भगवान, भगवान ने मुझे बचा लिया है। हाँ सही कहा तुमने, और शायद भगवान उस भिखारी के रूप में आए थे। मतलब ये कि वो भिखारी हमारी गाड़ी के पास बैठा ही इसलिए था ताकि हम थोड़ा सा लेट हो जाएं और उस दुर्घटना से बच जाएं। क्या हुआ? पता नहीं वो कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे। तुमने ही कहा था ना अभी वो भगवान जी के रूप थे तो हम दोनों को एक नई जिंदगी देके वापस चले गए, और आज ना मैं समझ गई हूँ हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। और हमारे सामने कोई भी हो ना हमें उनसे प्यार से और इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कहाँ किस रूप में हमारे सामने नारायण आ जाए। सही कहा तुमने, चलो चलते हैं।